राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड तहसील के गांव कांकरा-बड़ोद निवासी 10वीं पास युवक सुभाष ओला ने यूरोपियन वैज्ञानिक केल्विन और नोबेल विजेता मैक्स प्लांक का कथन बदल दिया है। आपको बता दें कि उनका कथन था कि इंजन से निकली गर्म गैस या स्टीम को ऊर्जा में बदल पाना असंभव है। स्कूलों में प्लांक का ये नियम आज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन किसान के बेटे सुभाष ओला ने ऐसा इंजन बना डाला जो स्टीम को ऊर्जा में बदल सकता है। जी हाँ, जिसे महान वैज्ञानिक प्लांक ने असंभव माना था, उसे सुभाष ओला ने संभव कर दिखाया। सुभाष ओला के प्रयास सन 1984 में रंग लाए, लेकिन उनको पूर्णतया सफलता 1994 में हाथ लगी। ओला के मुताबिक पढ़ाई के दौरान उन्होंने जब किताब में वैज्ञानिक का यह कथन पढ़ा तो दिमाग में कुछ नया करने की उम्मीद जागी और अपने मुकाम में लग गए। यही सवाल उनका जुनून बन गया और 26 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जवाब ढूंढ लिया गया। साल 2014 में इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सुभाष ओला के द्वारा बनाए गए बॉयलर मशीन की दो बार जांच की। लैब में ईंधन एवं पानी की बचत देखकर एनआईएफ के अधिकारी हैरान रह गए। दो बार टेस्ट लेने के बाद उन्हें पूर्ण यकीन हो गया कि सुभाष ओला के द्वारा बनाई गई मशीन 40-50% ईंधन बचाती है और वही 90-99% का पानी का भी बचत करती है। सुभाष ओला साल 2015 में उनकी कामयाबी को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। उनकी मेहनत का ही फल है कि हाल ही में मुंबई में आयोजित हुई फिल्म पैडमैन के प्रमोशन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए 16 इनोवेटर्स को 5,00,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। अक्षय कुमार ने सभी 16 इनोवेटर्स पर नई फिल्म 16 सुपर हीरोज के नाम से बनाने का आह्वान भी किया। टीम इंडलिंग्स।